This is again my xy coordinate system. कि initially body A पर थी और जो position मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट O से मेजर करी वो थी r1 वेक्टर और थोड़े टाइम के बाद बॉडी B पर आ गई यानी अब उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर तो बॉडी A पर इनिशियली थी और B पर फाइनली आ गई तो A से लेके B तक फॉर एग्जांपल इफ आई से कि उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो दिस डिस्टेंस विल बी डेल्टा s तो आप कह सकते हो कि b एवरेज इज आल्सो डेल्टा s बाय डेल्टा t डेल्टा t इज द टाइम इंटरवल टेकन फ्रॉम a टू b बॉडी ने a से b तक जाने में अगर डेल्टा t टाइम लिया है दिस इज द टाइम इंटरवल तो b एवरेज विल बी डेल्टा s बाय डेल्टा t अगेन एवरेज स्पीड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अगर आपका स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगी स्केलर क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन नहीं होगी इसका ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड क्यों क्योंकि एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस इज मीटर टाइम इज सेकंड तो इट्स यूनिट होगी मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल कभी नेगेटिव नहीं होगा टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए एवरेज स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती तो एवरेज स्पीड के लिए आप ये एक बेसिक फॉर्मूला है इसको रेफर करें दिस वुड ऑलवेज बी ट्रू अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल एवरेज स्पीड इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ये है क्या मैं एक क्वेश्चन कहता हूं एक बॉडी ने ए से चलना शुरू किया सी तक गई ओके आधा जो डिस्टेंस था हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ओके एंड रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड बॉडी ए से सी तक जा रही है पूरा डिस्टेंस फॉर एग्जांपल लेट अस से कि दिस इज 200 मीटर है तो इस 200 मीटर में से 100 मीटर पहले 100 मीटर उसने अपनी स्पीड कितनी बनाए रखी ए से सी तक 100 मीटर 20 मीटर पर सेकंड फिर सी से डी इज द रिमेनिंग 100 मीटर सेकंड हाफ दिस इज फर्स्ट हाफ ए सी दिस इज सेकंड हाफ सी डी तो इस सी डी में अगले 100 मीटर को उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया 30 मीटर पर सेकंड से तो इस पूरे इंटरवल में ए से लेके सी तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इसे कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इंटरवल यानी कि आपने पूरे मोशन को दो इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल्स में तोड़ दिया अगेन गोइंग विद द बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है पूरा ए से लेके सी तक जाने में दैट इज 200 मीटर अब आपको टोटल टाइम निकालना है जो कि हम बोले अगर हमें टोटल टाइम पता चल जाए तो दोनों का रेशियो दिस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमें एवरेज स्पीड देगा टोटल टाइम कैसे निकालेंगे ए से लेके बी तक जाने में स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस है 100 मीटर का हमें पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड 1 अगर मैं इसको v1 ले लूं और इसको मैं डिस्टेंस 1 ले लूं स्पीड 1 विल बी डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 टाइम 1 इज टाइम टेकन टू ट्रैवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ए की डिस्टेंस यानी कि जब b स्पीड पर सेकंड पर बॉडी चलेगी तो 100 मीटर ट्रैवल करने में उसको जो टाइम लगेगा वो t1 है तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 is equal to 100 by t1 and t1 is equal to 5 seconds यानी पहला जो 100 मीटर का डिस्टेंस है जो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी उसको ये ए से बी तक जाने के जो टाइम लगेगा 5 सेकंड का लगेगा अब मैं कहता हूं बी से सी तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा अगेन स्पीड मुझे मालूम मुझे डिस्टेंस मालूम तो टाइम मिल जाएगा b2 is equal to s2 by t2
तो स्पीड कितनी 30, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना t2, तो t2 आ गया आपका 10/3 सेकंड। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम वुड बी टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल सेकंड हाफ डिस्टेंस। ए से बी तक जाने का टाइम लगा वो t1, बी से सी तक जाने का लगा t2, तो दोनों को ऐड करना है तो टोटल जर्नी का आपको टाइम लग जाएगा, दैट वुड बी 5 प्लस 10 बाय 3 15 प्लस 10 बाय 3 25 बाय 3 सेकंड। अब बस आपने इस टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस का रेशियो लेना है, बिकॉज एट द स्पीड को हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ 200 का, जो टोटल टाइम लगा 25 बाय 3 का, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा गो ऑन हाउ मच दैट वुड बी 8.24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड फॉर दिस इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, यानी कि जब बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से आधा डिस्टेंस चलेगी, आधा डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकेंड चलेगी, तो जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्पीड आएगी पूरे जर्नी में, एक इफेक्टिव वैल्यू वो आएगी 24 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए एवरेज स्पीड को हम कहते हैं दिस इज द इफेक्टिव स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। अब अगले टाइप की प्रॉब्लम एवरेज स्पीड से रिलेटेड, जिसमें हम इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल। अगेन एक बॉडी ने ए से चलना स्टार्ट किया, सी तक गई, ओके पहला आधा डिस्टेंस यानी कि इसको जितना भी टोटल टाइम लगा होगा उसका आधा टाइम इसने ट्रैवल किया फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड से, और बाकी का आधा टाइम नॉट डिस्टेंस टाइम जो इसने स्पीड अक्वायर की वो 50 मीटर पर सेकंड। ओके इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी वाज 1 आवर, अगर ए से लेके सी तक जाने में इसको टोटल 1 आवर लगे हैं, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस केस। अब इस केस में एवरेज स्पीड कितनी आएगी, इसमें आपको टोटल जर्नी का टाइम मालूम है, टोटल टाइम आपको जैसे इस क्वेश्चन में नोट नहीं था, इसमें टोटल टाइम मालूम है कि ए से लेके सी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपको ये मालूम नहीं है। टोटल डिस्टेंस ना देखें, आपको फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी थी ये बता दी, और सेकंड टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी थी ये बता दी। अगर मैं कहता हूं इसको टोटल 1 आवर लगे, तो 1 आवर को आप क्या लिखते हैं, 60 मिनट्स, यानी कि फर्स्ट आधा टाइम ए से लेके बी तक यानी कि 30 मिनट लगे होंगे, और अगले आधे टाइम यानी कि बी से सी अगेन 30 मिनट लगे होंगे। तो अब हमने क्या किया, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग पूरे मोशन को या पूरे इसके जर्नी को दो इक्वल टाइम इंटरवल में तोड़ दिया 30-30 मिनट के, तो मुझे टोटल टाइम तो नोन है ही, टोटल टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट। टोटल टाइम वुड बी 60 मिनट, 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो टोटल टाइम टेकन इज 3600 सेकेंड। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए मुझे स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है, तो मैं स्पीड के बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैं ये ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। From A to B, speed is given to be 40 meter per second, and time is given to be 30 into 60, because 30 minutes, that would be 1800 second. So distance कितना हो गया? Speed 1 is distance 1 over time 1. This implies distance 1 would be speed 1 into t1. Speed is how much? 40. And distance traveled is 1800. So this is the value of distance traveled in the first half meter. Similarly, distance traveled in the second half BC would be how much for BC? Yehi basic formula. Distance is speed into time. So distance traveled S2 is V2 into
t2, but this time speed is 50. So 50 into time being 30 minute, 30 minute again means 1800 second. 1800. This is the distance traveled. यानी कि पहले आधे time interval में AB में जो distance travel हुआ वो इतना और दूसरे वाले में distance travel हुआ इतना. तो total distance कैसे निकालेंगे? S1 plus S2. So this implies total distance delta S will be S1 plus S2. You write it to be S total. S1 is how much? 40 into 1800 plus 50 into 1800. This came out to be 1800 into 90. This much of total distance. Meter. Now going to the basic formula, average speed is total distance upon total time. Average speed S total by time. So S total is 1800 into 90 and total time taken is 3600. 36 into 100. So the average speed came out to be 45 meter per second. ये 45 meter per second किस केस में आएंगे? जब मोशन को हमने दो इक्वल टाइम इंटरवल में ब्रेक किया था. अब यहां से सीधा आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो ये कि जब इक्वल टाइम इंटरवल हो, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी जब मोशन को हमने दो इक्वल टाइम जर्नल में तोड़ा हुआ है, उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी दैट वुड बी v1 प्लस v2 बाय 2. इस केस में v1 था 40 और v2 था 50. 90 बाय 2 45 मीटर पर सेकंड जो इस केस में आया भी था. अब अगर मैं कहता हूं इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो, फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 2v1 v2 by v1 plus v2, where v1 and v2 are the velocity, the speeds of the individual journeys, half journeys.